कर रहे हैं आज हम प्रदर्शन करने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं कि हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार जो सरकार का एक पॉलिसी जारी हुई थी, एक लेटर जारी हुआ था कि सफाई कर्मचारी कोई किसी भी वर्ग का कर्मचारी है, सबका वेतन 7 तारीख तक उनके खातों में डल जाना चाहिए। लेकिन पिछले महीने भी यहाँ नगर निगम प्रशासन ने तनख्वाह मारी, 25 तारीख को तनख्वाह डाली गई थी। बड़ी शर्म की बात है कि जब एक कर्मचारी अगर 10 मिनट भी अगर अपनी ड्यूटी से लेट हो जाए तो इनकी 10 मिनट को लेट दर, अगर ये अपनी समस्या सुनाते भी उसके बावजूद भी अधिकारी जाके इनकी एब्सेंट लगा देता है। जब ये 10 मिनट में हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते तो हम तनख्वाह के बारे में इनके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। ये तनख्वाह कभी किसी बैंक में डाल लेते हैं, कभी किसी बैंक में डाल लेते हैं। आज हमारा कर्मचारी मारा मारा फिर रहा है, इतनी परेशानी, हर एक के एक के घर के हालात इतने नाजुक हैं कि इस तनख्वाह के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन इस प्रशासन के पास हमने कई बार रिमाइंडर भी दिया है, तनख्वाह के बारे में भी कहा है कि इन कर्मचारियों का वेतन 7 तारीख तक डल जाना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर साहब से जब मिलने के लिए जाते हैं हम तो कमिश्नर साहब सही मत्थे से बात नहीं करते। वो हमारे को कहते हैं भैया हमारा काम है, हम अपना आप कर देंगे, हमें पता है भाई तनख्वाह देनी है इनको, लेकिन देनी कब है? अगर ये 10 मिनट भी अपनी ड्यूटी से अगर लेट हो जाते हैं तो इनका तो एब्सेंट या नोटिस इनके निकाल दिए जाते हैं। हम कई बार कमिश्नर महोदय को भी रिमाइंडर दे चुके हैं, ज्वाइंट कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं, ईओ साहब से भी मिल चुके हैं, जितने भी अधिकारी हैं सबके नॉलेज में हमने तनख्वाह के बारे में ये सबको रिमाइंडर दिया है, लेकिन आज तक हमारी किसी भी समस्या पे कोई भी समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं अगर सैलरी नहीं आएगी तो 500 रुपए एक्स्ट्रा। बिल्कुल कहा है मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है, लेकिन आज तक अधिकारियों ने तो नहीं सुबह कोई अमल किया है। और दूसरा, हमने कई बार इनको कहा है कि हमारी जो समस्याएं हैं हमारे कर्मचारियों की, एक बार महीने में 2 बार हमारे साथ मीटिंग करे, हमारे जितने भी संघ के नेता हैं उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करे, हमारी समस्याएं सुने। लेकिन आज तक भी इस कमिश्नर महोदय ने हमारे से आज तक भी कोई भी मीटिंग यूनियन के साथ नहीं की, ना ही आज तक हमारी कोई समस्या सुनी है। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मान रहे। बिल्कुल कोई नहीं मान रहे हैं मुख्यमंत्री की बात की भी। जो मुख्यमंत्री तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ कर्मचारी जो हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनकी मांग है, क्यों आज जो है लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। क्या मांग है मैम आपकी, क्यों आप लोग यहाँ पर आज? हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारी मांगे सिर्फ हमारे वेतन की है जी। हमारा समय पे वेतन नहीं मिलता, हमारे को टाइम 7 तारीख का दिया था, क्या हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, क्या हमें नाज किया, किसी खाने की पीने की जरूरत नहीं है? हमारे मुख्य मुद्दे आज हम उनको फोन कर करके पूछते हैं भाई हमारा वेतन कम मिलेगा, क्या हमारी लाखों वेतन है, क्या सिर्फ हमारी 10-12 हजार वेतन है, वो भी हमारा समय पे नहीं दे पा रहे। ये बताओ हम कहाँ जाए, आज कितनी तारीख हो चुकी है, 17 तारीख हो चुकी है, इन्होंने कल भी आए हम आज डल जाएगी, परसों आए आज डल जाएगी, डलते 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 आज 17 तारीख हो चुकी है, तो फिर मजबूरन होकर हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपने भी खर्चे
हैं वो भी बंदे होते हैं, खर्चे हमारे बहुत ज्यादा, कोई बच्चों की स्कूल की फीस है, कोई दूध वाला है, कोई राशन वाला है। हमारे दूध वाले भी हमें ये कहते हैं तुम्हारे तो हर महीने का 2 महीने बाद वेतन आता, हम दूध कैसे दे आपको, हमें भी पीछे हिसाब करना पड़ता, भी हमारे भी खर्चे हैं। हमारी यही मांग है अभी हमारा समय पे वेतन दिया जाए, और हम ड्यूटी पे 10 मिनट या 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमारे पे ऑब्जेक्शन उठते हैं, 10-10 हमारे को भगाए जाते हैं ड्यूटी पे से, हमारे शोषण हो रहे इतने, क्या हमें समय पे हमें रोटी की जरूरत नहीं हमारे बच्चों को, क्या पढ़ाई की जरूरत नहीं हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों का क्या पढ़ाई नहीं चाहिए हमें, कॉपी किताबें इस टाइम एडमिशन चल रहा है सबको पता, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, किस तरह से हम अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को पूरा करें, किस तरह से हम अपने बच्चों के खर्चे को पूरा करें, हमारी भी मांगे है यही है, अभी हमारा समय पे वेतन मिले, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम भी थोड़ा अपने बच्चों को अच्छा बना सके। ये तो आप देख सकते हैं मांग यही है कि समय पर वेतन दी जाए, समय पर सैलरी दी जाए, क्योंकि खुद के भी खर्चे जो हैं वो बंदे होते हैं, अगर सैलरी लेट मिलेगी तो अपने घर के खर्चे किस तरीके से जो है ये निकालेंगे, यही सवाल फिलहाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप लोग नगर निगम ऑफिस से जो है देख रहे हैं, नगर निगम कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। विनोद प्रोचे जी वे डिप्टी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवेश प्रोचे जी, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य रमेश चिनालिया जी, और तो कुछ और सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो कर्मचारी हमारे 198 जो कर्मचारी हैं वो सभी के सभी बाहर हैं, उनके घरों के चूल्हे सब के सब बुझे हुए हैं, उन 198 परिवार का चूल्हा जो है आज ठप है, उसका जिम्मेवार कौन है, उनका क्या होगा, क्या ये निगम प्रशासन ने सोचा है कि वो परिवार कैसे गुजारा कर रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही होगी। लेकिन इनको अपना पता है कि ठेका छोड़ना है, हमने नए कर्मचारी लगाने हैं, किसी को कमीशन लेके लगाना है, या जैसे भी इन्होंने अपनी एडजस्टमेंट करनी है अपनी करनी है, पुराने कर्मचारी हमारे जो हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो हैं वो इस समय नगर निगम कार्यालय के जो है बाहर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और कर्मचारियों से हम लोग बातचीत भी करेंगे, आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। होना तो ये चाहिए था कि 1133 मतों का आपने इस्तेमाल किया था और 1200 कर्मचारी यहाँ होना चाहिए था अपने अधिकारों। तो ये आपने लाइव तस्वीरें देखी करनाल के नगर निगम कार्यालय से, जहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए अपनी सैलरी को लेकर। उनकी मांग यही थी कि जब हम लोग अगर 10 मिनट भी लेट आते हैं काम पर तो हमारे ऊपर कई सवाल होते हैं, हमारे से कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो 15-15, 20-20 दिन लेट जो है इन्हें सैलरीज मिलती है। इनका यही कहना है कि जो इनके खर्च हैं वो हर महीने के बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इनकी बात सरकार तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।